कब पढ़ा? प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम व्यवसायिक वित्त के अंतर्गत कंपनी वित्त के स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक कंपनी को जो है पूंजी की आवश्यकता होती है अपने व्यापार व्यवसाय उद्योग को संचालित करने के लिए, अपने प्रवर्तन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर चूंकि कंपनी का जो आकार है वो व्यवसायिक उद्यम होता है, इसके लिए जो दीर्घकालीन पूंजी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये पूंजी जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये पूंजी जो है उसको विभिन्न इन साधनों के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे वो अपनी व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसके पूर्व हमने जो है अंशों के निर्गमन के बारे में आपको बताया था। दो प्रकार के जो अंश होते हैं, संतांश और पूर्वाधिकारी अंश, इसके बारे में हमने विस्तार से पिछले अध्याय में आपसे चर्चा की थी कि संतांश क्या होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं। संतांश वे होते हैं जिन पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है और ये व्यवसाय के स्वामी होते हैं। दूसरा वही पूर्वाधिकारी अंश बताया था जिनको निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है। इनकी विशेषता, इनके प्रकार और इनके बीच में अंतरों को हमने देखा था। दूसरा जो पूंजी प्राप्ति का स्रोत है, ऋण पत्रों का निर्गमन, इस अध्याय के अंतर्गत जो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा जो स्रोत है, लाभों का पुनर्निवेश या संचित लाभ। चौथा है व्यापारिक या व्यवसायिक साख। पांचवा निक्षेप रसीद, अमेरिकन जमा प्राप्ति रसीद एवं वित्त संस्थागत वित्त आदि के माध्यम से जो है यहाँ पर एक व्यवसाय कंपनी जो है वो पूंजी प्राप्त करती है, जिनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन क्या कहलाता है। यहाँ पर जो पहला जो है अंशों का निर्गमन, तो अंशों से आशय जो है एक कंपनी की पूंजी जो होती है वो छोटे छोटे भागों में बटी होती है और इन छोटे छोटे भागों या इकाइयों को हम अंश कहते हैं। जो इन अंशों को क्रय करते हैं वे अंशधारी कहलाते हैं। प्रत्येक कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम के अनुसार एक निश्चित सीमा तक ही अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी एकत्रित कर सकती है। जिस सीमा तक अंशों का निर्गमन करके पूंजी एकत्रित की जा सकती है उसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। स्टॉक होल्डर क्या? तो यहां हम देखते हैं अंशों के बारे में कि एक कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में बटी होती है और ये छोटे छोटे भाग जो है वो अंश कहलाते हैं। जो इन अंशों को खरीदते हैं वो कहलाते हैं अंशधारी। जैसे उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी की अंश पूंजी जो है 1,00,000 रुपए की है और ये 1,000 भागों में 100 रुपए प्रति अंश के माध्यम से बटी है, तो ये जो 100 रुपए है ये क्या है? अंश है, अर्थात ये भाग है, एक भाग। और इस प्रकार से 1,000 भाग जो है वो मिलाकर जो है यहां पर कंपनी की पूंजी जो है 1,00,000 यहां पर बनती है। तो यहां पर जो एक कंपनी की जो पूंजी मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, उसके छोटे छोटे भाग जो 1,000 भागों में बटी है और ये प्रत्येक भाग कितने का है? 100 रुपए का है। तो ये 100 रुपए का जो प्रत्येक भाग है ये अंश कहलाता है। तो यहां पर प्रत्येक कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम के अनुसार एक निश्चित सीमा तक अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी एकत्र कर सकती है। पार्षद सीमा नियम में जो पूंजी उसकी अधिकृत रूप से लिखी गई है उतनी ही पूंजी के अंशों को वो बाजार में जारी करके पूंजी प्राप्त कर सकती है। ये पूंजी कहलाती है उसकी अधिकृत पूंजी। इसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित होता है। अब इसकी जो विशेषता है, अंशों की विशेषता, ये कंपनी की क्या है? स्वामीगत पूंजी होती है, वह अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है। दूसरा, अंशों के द्वारा जो स्थायी पूंजी प्राप्त होती है वह ये कंपनी जोखिम पूंजी होती है। तीसरा जो है ये कंपनी की आधारभूत पूंजी का प्रतीक है, अर्थात अंश पत्रों के माध्यम से जो अंश पूंजी कंपनी को प्राप्त होती है बेसिकली कंपनी की जो संचालन है पूर्ण रूप से उसी के द्वारा होता है। और ये पूंजी कैसी होती है? स्थायी पूंजी होती है। साथ ही ये पूंजी स्वामीगत पूंजी भी कहलाती है। तो अंशों का ये कहलाता है निर्गमन। अब यहां पर अंशों के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, एक संतांश या साधारण अंश और दूसरा है पूर्वाधिकारी अंश। अंशों को दो प्रकार में बांटा गया।
या साधारण अंश। इसलिए जो व्यवसाय में जोखिम उठाता है वही क्या होता है, कंपनी का स्वामी कहलाता है। इसलिए समता अंशधारियों को कंपनी का स्वामी कहा जाता है। और जब ये कंपनी के स्वामी हैं तो कंपनी की साधारण सभा की बैठक में इन्हें मत देने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो इस प्रकार से समता अंश या साधारण अंश वे अंश हैं जो कि पूर्वाधिकारी अंश नहीं है, इनको लाभांश प्राप्त करने का और पूंजी वापसी का इन्हें पूर्व से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये व्यवसाय के मुख्य जोखिमकर्ता होते हैं, व्यवसाय की जोखिम को उठाते हैं, इसलिए ये कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। अब यहां हम देखें कि समता अंश के लाभ क्या क्या है। तो नंबर एक है दीर्घकालीन पूंजी, अंशवा के माध्यम से लंबे समय के लिए पूंजी प्राप्त होती है, लंबे समय के लिए पूंजी प्राप्त समता अंश के माध्यम से। दूसरा लोचपूर्ण लाभांश नीति, यदि लाभ हुआ तो लाभ होने पर ही लाभांश दिया जाएगा, लाभांश दे, यदि लाभ होगा तो ही लाभांश उन्हें दिया जाएगा। तीसरा है बंधक मुक्त, अर्थात इसमें जमानत या गारंटी नहीं रखी जाती। तो ये समता अंश के पीछे जो है ये क्या है, बंधक मुक्त है। फिर साख में वृद्धि, समता अंश जितनी अधिक मात्रा में कंपनी के बिकते हैं इसका मतलब क्या है, उसकी उतनी ही साख में वृद्धि होती है। और अंतिम बिंदु जो है प्रबंध में भागीदारी। समता अंश चूंकि समता अंशधारी जो कंपनी के स्वामी हैं इसलिए प्रबंध में ने भाग लेने का, हिस्सा लेने का अधिकार, मत देने का अधिकार, तो ये कहलाते हैं समता या साधारण अंश। दूसरा जो प्रकार है वो है पूर्वाधिकारी अंश, अर्थात ये वो अंश हैं जो सामान्य अंश नहीं है, इन्हें लाभांश व समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। अर्थात ये एक निश्चित दर से इन्हें लाभांश दिया जाता है। जो पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं एक इन्हें प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का क्या है ना, पूर्वाधिकार, पहले से अधिकार प्राप्त है। साथ ही कंपनी के समापन पर इन्हें समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार है। अब इन्हें देखते हैं, हम सर्वप्रथम निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद ही समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है, अर्थात अन्य अंशधारियों की तुलना में इन्हें पहले लाभांश दिया जाता है और लाभांश की दर जो है प्रायः पूर्व में निश्चित होती है। तो पूर्वाधिकारी अंशधारी अंशपत्र वे अंशपत्र हैं जिन अंशपत्रों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, साथ ही पूंजी वापसी पर इन्हें प्राथमिकता दी जाती है और इनको लाभांश और पूंजी वापसी जो है समता अंशधारियों का पहले दिया जाता है, साथ ही इनकी लाभांश की दर एक निश्चित होती है, वो कहलाते हैं पूर्वाधिकारी अंश। पूर्वाधिकारी अंश के लाभ या महत्व जो है, नंबर एक तो कंपनी को पूंजी की प्राप्ति होती है, निश्चित प्रतिशत दर से, निश्चित दर से पूंजी प्राप्त, अर्थात निर्धारित ब्याज दर से इन्हें पूंजी प्राप्त हो जाती है। दूसरा बंधक मुक्त, इसके पीछे जो है संपत्ति को किसी भी कंपनी को जमानत या गारंटी रखने की जरूरत नहीं है, गारंटी नहीं। फिर इसके बाद प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं, अर्थात पूर्वाधिकारी अंशधारी जो है कंपनी के स्वामी नहीं कहलाते हैं, इसलिए इन्हें प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। तो किसी भी प्रकार का अननेसेसरी रूप से ये कंपनी के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करते। फिर लाभांश पर कम दर का लाभ, अब चूंकि यहां पर जो है एक निश्चित दर से लाभ दर निश्चित दर पर ब्याज दिया जाता है इनको, लाभांश पर कम दर का लाभ के रूप में जो है ना, चूंकि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को एक निश्चित दर पर ब्याज दिया जाता है तो यह निश्चित होता है, कंपनी को यह ज्ञात होता है कि हमें पूर्वाधिकारी अंशधारियों पर इतना ब्याज व्यय के रूप में चुकाना है, तो इससे उनको जो है यहां पर लाभ होता है। फिर सरलता पूर्वक निर्गमन, इन अंशपत्रों का जो है
कंपनी के पार्षद सीमा असंचयी पूर्वाधिकारी अंश, अर्थात ये वे अंश होते हैं जिनमें लाभांश उसी वर्ष देय होता है जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ हुए हो। यदि लाभ नहीं हुआ तो उन्हें लाभांश नहीं दिया जाता। तो पूर्वाधिकारी अंशधारी अंश की परिभाषा क्या कहती है कि पूर्वाधिकारी अंशधारी को एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में उसको लाभांश दिया जाएगा। अब चूंकि यहां पर बात है असंचय की, अर्थात यदि कंपनी को लाभ हुआ तो उसे लाभांश दिया जाएगा और यदि लाभ नहीं हुआ तो लाभांश नहीं दिया जाएगा, अर्थात उस वर्ष उसका जो लाभ है वो संचित नहीं होगा। इसका उल्टा जो है संचयी पूर्वाधिकारी अंश, ये भी अंश होते हैं जिनमें कंपनी हानि होने की दशा में यदि उस वर्ष उन्हें लाभांश नहीं दे पाया तो आगे आने वाले वर्षों में उसका लाभ जो है संचित रहता है और भविष्य में जब कंपनी को लाभ होगा तब पीछे के वर्षों का लाभांश जो है उसको चालू वर्ष के लाभांश के साथ जोड़कर दिया जाएगा। तो ऐसे अंश पत्र, ऐसे अंश संचयी पूर्वाधिकारी अंश पत्र जिन पर कि चालू वर्ष में यदि किसी भी प्रकार का लाभांश नहीं दिया गया और अगले वर्ष यदि लाभांश होता है तो उसको पिछले वर्ष का मिलाकर जो है आगे आने वाले वर्षों का लाभ के साथ उसको दिया जाता है। तो ये हो गया पहला, दूसरा संचयी और असंचयी। फिर परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, इन अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि वे निश्चित समय पश्चात अपने अंशों को समता अंशों में बदल सकते हैं। अर्थात ये ऐसे पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर अपने अंश पत्रों को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, समता अंशों में बदल सकते हैं। अब इसी का उल्टा जो है अपरिवर्तनीय, अर्थात जिसने एक बार पूर्वाधिकारी अंश खरीद लिए उनको वो किसी भी अन्य प्रकार के समता अंशों में या किसी अन्य अंशों में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, वो कहलाते हैं अपरिवर्तनीय। तो यहाँ हो गया असंचयी संचयी और परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश। पांचवा जो है भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, इन्हें जो है पूर्व निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त होने के बाद भी यदि अंशों को लाभांश देने के बाद अन्य अंशों को पत्रों को लाभांश देने के बाद भी यदि कुछ शेष बच जाता है तो उसमें से भी उसको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अर्थात एक निश्चित दर से पहले तो इनको लाभांश दे दिया जाता है लेकिन सब तमाम प्रकार के भुगतान करने के बाद भी यदि कुछ लाभ बचता है तो उस बचे हुए लाभ में से भी इनको एक हिस्सा फिर से अतिरिक्त लाभ में से भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है, वो कहलाते हैं भाग युक्त। फिर है अभाग युक्त, अर्थात इन्हें एक बार निश्चित दर से जो लाभांश हमें देना था वो दे चुके, अब अतिरिक्त लाभ में इनका कोई हिस्सा नहीं होता, जितना बनता था एक बार हमने इनको जो लाभांश दे दिया तो दे दिया, बात यहां खत्म हो गई, अब यहां पर अतिरिक्त लाभ में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। फिर है प्रत्याभूतित पूर्वाधिकारी अंश, इन्हें जो है एक निश्चित दर से हर वर्ष लाभांश मिलने की गारंटी दी जाती है। प्रत्याभूतित पूर्वाधिकारी अंश पत्र, इन अंशधारियों को जो है कंपनी के द्वारा विशेष रूप से एक गारंटी दी जाती है कि इन्हें निश्चित दर से हर वर्ष लाभांश दिया ही जाएगा। अब ये अंश पत्र जो है एक अंशधारी के मन में कंपनी के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए जो है प्रत्याभूतित पूर्वाधिकारी अंश जो है ये एक बेहतर छवि कंपनी की बनाते हैं। फिर है विमोचनशील या शोध पूर्वाधिकारी अंश, विमोचनशील या शोध पूर्वाधिकारी अंश से तात्पर्य है कि जिनको है इनका हम भुगतान निश्चित शर्तों के अनुसार लौटाई जा सकती, कोई भी अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकारी अंश पत्रों को जारी कर सकती है जिनकी राशि कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार वापस लौटाई जा सकती है, अर्थात कभी भी किसी भी समय जो है कंपनी उन अंश पत्रों का भुगतान कर देती है। तो यहाँ पर अंश पत्रों का जो भुगतान है उसकी पूंजी वापसी जो है वो ही कहलाती है विमोचनशील या शोध पूर्वाधिकारी अंश। नौवां है यहाँ अविमोचनशील या अशोध पूर्वाधिकारी अंश, अर्थात ऐसे अंश पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता। तो यहाँ पर विमोचन अथवा शोधन अर्थात पूंजी की वापसी कंपनी के जीवन काल में नहीं की जा सकती।
तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि कंपनी जब तक उत्पादन करती रहेगी तब तक जिनके पास दायित्व वाली कंपनी जो है ये अशुद्ध पूर्वाधिकारी अंशों का निर्गमन वर्तमान में प्रतिबंधित है। तो ये जो है पूर्वाधिकारी अंश पत्रों के जो है विभिन्न प्रकार हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि संतांश और पूर्वाधिकारी अंशों दोनों के बीचों में क्या अंतर है। नंबर एक लाभांश की बात करें तो संतांशधारियों को जो लाभांश है सबसे आखिरी में दिया जाता है, अर्थात पूर्वाधिकारी अंशधारियों का भुगतान करने के बाद इनको प्राप्त होता है। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को संतांशधारियों के पहले मिलता है। फिर लाभांश दर, यहां पर जो है संतांशधारी कंपनी के स्वामी है, इनकी लाभांश की दर अनिश्चित रहती है, तो घटती बढ़ती रहती है, जबकि पूर्वाधिकारी अंश निर्धारित प्रतिशत दर वाले पूर्वाधिकारी अंश पत्र होते हैं, इनको एक निश्चित दर से लाभांश दिया ही जाता है। फिर निश्चित आय की बात करें तो समतांश में अंशधारियों की आय अनिश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इनके लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है, जबकि पूर्वाधिकारी अंशों पत्रों की धारियों की आय क्या है, निश्चित है। फिर सट्टा, सट्टा से तात्पर्य यहां पर है कि इनकी कीमतों में कमी और वृद्धि करना। तो समतांशों में जो है अधिक सट्टा होता है, जबकि पूर्वाधिकारी अंश पत्र जो है निर्धारित दर के ब्याज दर वाले होते हैं, इसलिए इसमें नाम मात्र का सट्टा होता है। फिर अंकित मूल्य की बात करें तो समतांश पत्रों का मूल्य, अंकित मूल्य जो होता है कम होता है, क्यों? क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा होता है, जबकि पूर्वाधिकारी अंशों का अंकित मूल्य अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। फिर शोधन की बात करें, भुगतान की बात करें तो समतांश जो होते हैं स्वामी पत्र एक प्रकार से कहलाते हैं, इसलिए इनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, इसलिए ये अंश शोधनीय नहीं हो सकते। पूर्वाधिकारी जो कंपनी के स्वामी नहीं है, अतः इनका शोधन जो है अंतर्नियम की शर्तों के अनुसार इनका भुगतान हो सकता है। अंतिम बिंदु जोखिम है, समतांशों पर जोखिम अधिक होता है, क्योंकि लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है, या लाभांश प्राप्त होता भी है या नहीं भी होता है, तो यहाँ पर जो है जोखिम अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की स्वामीगत पूंजी कहलाती है, जबकि पूर्वाधिकारी अंश में जोखिम क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। तो ये जो है समतांश और पूर्वाधिकारी अंश में अंतर है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक या स्कंद की। अब स्टॉक क्या है या स्कंद क्या है, तो एक कंपनी जो है जब अपने अंश पत्रों को बाजार में जारी करती है तो उसकी राशि जो है आवेदन पर, आवंटन पर, याचना प्रथम और याचना द्वितीय, एक दो तीन चार भागों में ये कंपनी जो है पूंजी प्राप्त करती है। तो यहां पर जब अंश की संपूर्ण राशि, पूर्ण देय राशि प्राप्त हो जाती है तो उसे कंपनी का एक प्रमाण पत्र देती है, जिसे स्कंद या स्टॉक कहते हैं। पूर्णत अंशों के लिए ही दिया जाता है, अर्थात जिन्होंने पूर्णतः भुगतान कर दिया है उसके लिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। कंपनी अंशों को ही बाद में स्कंद में बदलती है। यहाँ पर जैसा पूर्व में बताया था कि यदि कंपनी ने 1000 अंश पत्र जारी किए और सभी से जो है राशि, अंश पत्र की राशि, संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर उन 1000 अंशों में से ऐसे अंश पत्रों को जिनका की पूर्णत भुगतान हो चुका है उनको स्टॉक में या स्कंद में बदल देती है। तो स्कंद को टुकड़ों में भी विभाजित किया जा सकता है, अलग अलग छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो स्कंद क्या है, पूर्ण दत्त चुकता अंशों का समूह है, वो क्या है, स्कंद या स्टॉक। इसमें अंतर देखें हम, अंश और स्कंद, स्टॉक, अंश का अपना अंकित मूल्य होता है जबकि स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। अंश का अंकित मूल्य इसलिए कि इंडिविजुअल है, हर एक अंश पत्र का अपना एक अंकित मूल्य होता है, 100 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, 500 रुपए वाले या 1000 रुपए वाले, अर्थात हर एक अंश का अपना एक अंकित मूल्य होता है। स्कंद का इसलिए अंकित मूल्य नहीं है, क्यों? क्योंकि पूर्णदत्त जो भी जिन अंश पत्रों की पूर्णदत्त राशि उनको प्राप्त हो चुकी उसका क्या है, एक स्टॉक है, तो स्कंद का अपना कोई अंकित मूल्य नहीं होता इंडिविजुअली रूप से। फिर अंशों का पूर्ण चिकता होना आवश्यक नहीं है, अंश पत्र कोई जरूरी नहीं है, यदि 1000 अंश पत्र बाजार में जारी किए तो पूरे
1000 जो निर्गमित किए हैं उनमें से 1000 आवेदकों के द्वारा संपूर्ण राशि आवेदन आवंटन याचना की प्राप्त हो चुकी है, तो पूर्ण फिर अंश पूर्ण रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं, अर्थात एक अंशधारी जो है कभी भी अपनी इच्छा अनुसार अपने अंश पत्रों को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है। अब यहाँ स्कंद टुकड़ों में भी हस्तांतरित किया जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर समूह बनाकर जो है उनको टुकड़ों में हस्तांतरित किया जा सकता है। फिर एक प्रकार के अंशों का अंकित मूल्य समान रहता है, यदि एक ही प्रकार के अंश हैं तो उनका मूल्य क्या होता है, समान रहता है। अब यहाँ स्कंद जो कि टुकड़ों में बटे होते हैं इसलिए उनकी रकम जो होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर अंत में प्रत्येक अंश का एक क्रमांक होता है, अर्थात हर एक अंश पत्र का अपना एक सीरियल नंबर होता है जो कि कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है। स्कंद के लिए ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती। तो यहाँ पर जो है स्टॉक क्या होता है, स्कंद क्या होता है, इसको हमने देखा, और अंश और स्टॉक के बीच में जो अंतर है उनके बारे में हमने देखा। प्रश्न हिस्से जुड़े हुए अंशों से आशय और अंशों की विशेषता को समझाइए, समता अंशों को लिखिए और समता अंश के लाभों को समझाइए, तीसरा पूर्वाधिकारी अंश से क्या आशय समझाइए, चौथा पूर्वाधिकारी अंशों के विभिन्न प्रकार को समझाइए, पांचवा समता अंश व पूर्वाधिकारी अंशों में अंतर को आपको स्पष्ट करना है, और अंतिम जो है स्टॉक या स्कंद से क्या आशय है, अंश व स्टॉक में अंतर आपको लिखना है।